लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आपके बीच गठबंधन की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। प्रभारी पी श्री चाको ने कहा है कि कांग्रेस सभी 7 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेगी। 4 सीटों पर प्रत्याशी के नाम फाइनल कर लिए हैं और 3 सीटों पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। चाको ने कहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा शनिवार तक हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दिल्ली के अलावा हरियाणा व कुछ अन्य राज्यों के प्रत्याशी भी फाइनल किए गए। राहुल गांधी ने यहां पूर्व सांसदों को दमखम के साथ उतारने की बात कही है। यही वजह है कि नई दिल्ली में पहले से तैयारी कर रहे अजय माकन, चांदनी चौक से कपिल सिब्बल और उत्तर पूर्वी दिल्ली से जेपी अग्रवाल का नाम फाइनल कर दिया गया है। साउथ दिल्ली से दाम लगाएंगे सुशील कुमार। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार पश्चिम दिल्ली या दक्षिण दिल्ली से जाट प्रत्याशी या पूर्वांचली को मौका देना चाहते हैं। इसमें ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार का नाम दक्षिण दिल्ली से करीब करीब तय माना जा रहा है, क्योंकि पश्चिम दिल्ली सीट पर पूर्व सीएम व जाट नेता साहेब सिंह वर्मा के बेटे व सांसद परवेश साहेब सिंह वर्मा के सामने वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वहीं पूर्व सांसद महाबल मिश्रा को फिर पश्चिम दिल्ली से मौका मिल सकता है। हालांकि दक्षिण दिल्ली व पश्चिम दिल्ली में सुशील कुमार व महाबल मिश्रा की सीट अदला बदली भी हो सकती है। लिलोठिया पर चौहान को तवज्जो। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर पूर्व सांसद पार्टी में नहीं है, इसलिए यहां पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान पर दांव खेलने जा रही है। यहां से कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लिलोठिया भी टिकट मांग रहे थे, जिन पर चौहान को तवज्जो दी गई। चर्चा में संदीप या शीला। पूर्वी दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित को उतरने के लिए कहा जा सकता है, हालांकि वे यहां से उतरने की इच्छुक नहीं थे। ऐसे में विरोधी गुट शीला दीक्षित को उतरने पर दबाव बना रहा है। शीला के नाम के पीछे तर्क है कि कांग्रेस एक महिला उतारे। हालांकि एआईसीसी के एक अन्य नेता का कहना है कि राहुल गांधी शीला दीक्षित को मैदान में उतरने के लिए नहीं कह सकते।